वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोग क्या चालू हम लोग ने कौन सा टॉपिक चालू है? तो डिफरेंशिएशन चालू है। डिफरेंशिएशन में हम लोग ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था 1.5 एक्सरसाइज। कौन सा 1.5? जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने पूरा सॉल्व कर लिया था। हाँ, अभी हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग को इसमें दो वीडियोज लगेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ये हम लोग ने एक्चुअली लास्ट पैरामीटर्स में सॉल्व किया, पैरामीट्रिक फंक्शन में। स्टिल हम लोग को करना है बस d2y/dx² फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट विथ। तो मेरे पास क्या, लेट x इज इक्वल टू 80² है एंड y इज इक्वल टू 280 है, बराबर है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ करेंगे, तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, dx/dt, राइट। तो dx/dt क्या होगा, तो dx/dt विच इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा तो यह आ जाएगा 280, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे, लेट y इज इक्वल टू 280, ठीक है ना। हम लोग यहीं पे अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे एक्स लिखा है तो चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, टी। तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, क्यों, टी पैरामीटर है मेरा। तो क्या आ जाएगा बोलो, टी बाय बाय डी टी विच इज इक्वल टू 2a सिर्फ, बराबर है, क्यों, टी का हो जाएगा 1। लेकिन मुझे क्या ये फाइंड आउट करना है, नहीं, मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे चाहिए डी वाई बाय डी टी, डी टी नो, डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या आएगा वो, हम लोग को पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग, वी हैव, अच्छे से लिखते हैं, वी हैव dx dy by dt which is equal to, हम लोग क्या बोलते हैं, dy by dx चाहिए, dt को अगर मैंने डिवाइड कर दिया dx by dt से तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलता है, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है dy by dx which is equal to dy by dt, आया है मुझे 2a और ये आया है 280, तो 2a बन जा 2a, 2a बन जा 1 जा, तो बचा मेरे पास dy by dx, बचा है मेरे पास 1/t। लेकिन क्या मुझे dx by dt चाहिए, dy by dx चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो चाहिए d2y/dx। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, कि x या t के साथ। मैंने बोला था अगर x इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ t, देन t इज ऑल्सो डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x, therefore हम लोग क्या करेंगे, x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, d2y/dx² विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो 1/t है, 1/t का क्या हो जाएगा, -1/t², लेकिन ये क्या था, x नहीं था, t था, तो dt/dx मुझे लिखना पड़ेगा साथ में, हाँ ओके। तो मुझे क्या मिलेगा आगे, therefore d2y/dx² which is equal to -1/t² into, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/dx/dt, हाँ बराबर है, बराबर है, ठीक है ना। तो देखो अभी क्या होगा, तो हमारे पास इसको अगर मैंने 1 दे दिया, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिल रहा है, dy/dx² which is equal to -1/t² into, ये हो जाएगा 1/280, बराबर है। अच्छा, लेकिन क्या हमारे ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, जो प्रूव करना है उससे मैच नहीं कर रहा है। देखो तो इसमें कुछ तो हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा, तो क्या चेंजेस है हम लोग सीधा देखेंगे अभी। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, व्हाट इज द, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या करना है, मैं दिखाता हूं आपको, बराबर डरना नहीं है, बस सिंपली ये माइनस को ऐसे रख दो, कुछ नहीं करना है इसको, यहां पे 1/, ये क्या हो जाएगा 2, इसको सिर्फ मैं अरेंज कर रहा हूं, देखो कैसे अरेंज कर रहा हूं, ये 80 को एक साथ लिख दिया, 80 को क्या कर लिया मैंने, 80 को अगर एक साथ लिख दिया तो क्या हो जाएगा,
80 स्क्वायर बराबर है, अच्छा इनटू 1 अपॉन, बचा क्या अभी 80 स्क्वायर आ गया तो 2t बचा बराबर है। क्या कर रहा हूं मैं, एक दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक तो यहां से आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या करेंगे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे t स्क्वायर का यहां से, या फिर ऐसे करो। दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, पहले ये तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखो ये तो -1 अपॉन 80 स्क्वायर राइट। अच्छा मैंने क्या किया ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक कर दिया बराबर है। अच्छा अभी क्या चीज आपने कुछ नोटिस किया कि मुझे पता है d2y/dx² विच इज इक्वल टू, अच्छा ये 80 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 80 स्क्वायर तो एक्स होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन 280। क्या है 280, 280 कहाँ गया, 280 तो मेरा वाई है, देखो यहाँ पे तो ये हो गया वाई, और ये न्यूमरेटर में ए एज इट इज ए, तो ये क्या हो जाएगा जब ये एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे मिलेगा एक्स इंटू वाई d2y/dx² -a, ये यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा d2y/dx² + a = 0, यही मेरा फाइनल आंसर है बराबर है। अच्छा आप बोलोगे आप दूसरा मेथड बोल रहे थे वो कैसा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से t स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, ओके देखो अगर मैंने अकॉर्डिंग टू दिस x = 80 स्क्वायर है तो टी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, हाँ अच्छा y = 280 है ना, ओके तो यहां से अगर टी का वैल्यू निकाला तो टी मिलेगा मुझे y/2a बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये यहां पे मुझे मिला टी स्क्वायर एंड 280, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है देखो, ये d2y/dx² ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्या है ये तो -1 अपॉन t² का वैल्यू कितना आया था, x/a × दूसरा क्या है हमारे पास 1/280, 1/2 मतलब इसके नीचे लिख दो इंटू 1/2a × t का वैल्यू यहां पे क्या आया मुझे y/2a, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये a ऊपर चला जाएगा तो मुझे क्या मिला d2y/dx² = a - a/xy, आया ना सेम यही फॉर्म में, समझ में आया, कोई भी मेथड यूज करो आपको आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर टू है ओके, इफ वाई इज इक्वल टू e^(m)tan−1x देन प्रूव दैट दिस, डरने की जरूरत नहीं, बड़ा दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू e^(m)tan−1x, ये पता है हम लोग को कंपोजिट फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो पहले टाइम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, तो x के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा dy/dx विच इज इक्वल टू e^(m)tan−1, ऐसे रहता है ओके बराबर है ना ओके, और डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो एम तो ऐसे ही रहेगा, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना, एम कॉन्स्टेंट तो बच गया, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन प्लस होता है मालूम है ना, 1 अपॉन 1+x² बराबर है, हाँ बराबर है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे क्या मिला देखो, ये dy/dx विच इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बोलो ये इसको मैंने कहीं पे तो देखा है, ये क्या है, ये तो मेरा वाई, तो मैं वाई लिख दूं यहाँ पे, क्यों लिखता हूं मैं बोलता हूँ सिंप्लीफाई होगा ये वाई, और यहाँ पे या पूरा मल्टीप्लाई कर देते, ये वाई हो गया और यहाँ पे हो जाएगा m/1+x² हो जाएगा बराबर है, हाँ ओके देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू मुझे मिला my/1+x², इसको याद रखो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, कैसे और कहाँ पे वो देखेंगे, हम लोग को तो dy/dx नहीं चाहिए था, क्यों हमें तो चाहिए d2y/dx², तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग, या बोलो अगेन अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो देखो यहाँ पे m कांस्टेंट है, ये y वेरिएबल है और 1+x² वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा d2y/dx², इसको एज इट इज लिख दो ओके, ये एम वाई ना एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो
या एम वाई रहेगा साथ में, तो यहाँ पे यू बाई वी रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, यू बाई वी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी मतलब 1 + x² बराबर है इनटू du by dx, मतलब u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, m कांस्टेंट, और y का आ जाएगा dy by dx बराबर है, प्लस प्लस ये my ऐसे ही रखो, और ये 1 + 2x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये अलग कलर से लिखता हूं मैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव लिया मतलब m dy by dx बराबर है, और यहाँ पे my ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, और ये माइनस साइन होगा दोनों में, अच्छा 1 का 0 x² का हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर है डिवाइडेड बाय होगा 1 + x² का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया, देखो ये u v को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब m कांस्टेंट आगे आ गया, y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाय dx, अच्छा माइनस my को वैसे ही रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, तो देखो ये 1 का डेरिवेटिव 0 + x² का हो जाएगा 2x, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा अभी देखो, d2y/dx² विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m × 1 + x² dy/dx माइनस ये क्या है 2mxy, ठीक है डिवाइडेड बाय है मेरे पास 1 + x² का स्क्वायर। अच्छा एक चीज अभी देखो, d2y/dx² विच इज इक्वल टू, ये देखो मैं क्या, देखो यहां पे हम लोग को dy by dx चाहिए, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा इससे, कहां इससे, क्यों, क्योंकि dy by dx मुझे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, तो आप बोलोगे सर फिर सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, आंसर कैसे मिलेगा हम लोग को, तो मैं क्या करूंगा देखो ये 2mx ऐसे रखूंगा, ये वाई है ना, वाई मुझे यहाँ कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा उसको सब्सटीट्यूट करूंगा, कहां से ये वाला वाई सब्सटीट्यूट करूंगा क्या, नहीं, मैं क्या करूंगा ये देखो, ये वाला भी है ना इक्वेशन वन वाला भी वाई हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या दिया हम लोग को dy by dx is equal to my/1 + x² है, लेकिन मुझे किसका आंसर वैल्यू चाहिए, तो y का, तो सबको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो मुझे y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + x² डिवाइडेड बाय m इंटू dy बाय dx बराबर है, हाँ बराबर है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ये आंसर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा 1 + x² क्या मिला 1 + x² डिवाइडेड बाय m इंटू dy बाय dx, कहाँ से आया, तो यहां से, तो इसको हम लोग रीजन दे सकते हैं फ्रॉम बोलो इक्वेशन वन, वेरी गुड। चलो अभी क्या होगा, और ये डिवाइडेड बाय है पूरा हम लोग का, अच्छा ये रीजन यहाँ पे देना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे आगे देते, तो डिवाइडेड बाय पूरा क्या है हमारे पास 1 + x² का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये डिफिकल्टी हो रहा है तो ये 1 + x² यहाँ पे लेके जाके भी हम लोग सॉल्व कर सकते, वही आंसर आने वाला है। ओके तो यहाँ पे रीजन हम लोग क्या देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, बहुत सिंपल है देखो, बस हम लोग को भी सॉल्व करते जाना है, तो ये यहाँ पे लेके आ जाते हैं देखो, थोड़ा सा हम लोग का काम बचाते, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर d2y/dx² विच इज इक्वल टू, ये यहाँ से डिनोमिनेटर था अगेन न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको ऐसे टू ये एम एम कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो मेरे पास क्या बचा देखो, तो ये है मेरे पास एम 1 + x² dy by dx माइनस 2x 1 + x² dy by dx, हाँ बराबर है। अच्छा अभी क्या होगा, ये 1 + x² ऐसे ही रखो यहाँ पे, रेस टू स्क्वायर d2y/dx², इसमें कोई चेंज नहीं, अच्छा यहाँ से कॉमन क्या क्या आ सकता है, देखो ये 1 + x² है, 1 + x² है, dy by dx है, dy by dx है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकल रहा हूँ 1 + x² एंड dy by dx, ब्रैकेट में क्या बच रहा है मेरे पास, यहां से m -2x बराबर है, हाँ बराबर है, लेट सी अभी क्या होगा, तो ये देखो ये एक ब्रैकेट और एक चला गया बराबर है ना, यहां से ये जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 1 + x² d2y/dx² विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास बचा m -2x
डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आप बोलोगे सर देखो ये ब्रैकेट यहां से चला जाएगा यहां पे, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस है। लेकिन मुझे अंदर क्या पूछा है, देखो 2x माइनस एम है ना, और यहां पे m माइनस 2x है, तो इसको मैंने अगर इंटरचेंज कर दिया तो क्या बनेगा, तो 2x माइनस एम बराबर है, क्यों हो गया माइनस पता चला कि दोनों में से मैंने जब माइनस वन कॉमन निकाला तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अभी फाइनल आंसर लिखो हमारा, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, देखो हम लोग को जैसे चाहिए वैसे मैनिपुलेट करना पड़ता है हम लोग को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या, मेरा m माइनस 2x आया था तो मैंने 2x माइनस एम कर दिया तो माइनस साइन बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, जहां पे हम लोग ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ में आए हम लोग को। तो यहाँ पे ध्यान रखो हम लोगों ने कैसे उसको सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, क्यों। मैंने देखा मुझे ये dy by dx मुझे तो आंसर में चाहिए, शो दैट में ये d2y upon dx square भी है, ये 1 plus x square आया है, ये dy by dx है, लेकिन ये y है क्या कहीं पे, नहीं, इसीलिए मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ये इक्वेशन से या ए इक्वेशन से, समझ में आया। ओके तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू e टू mt, देन शो दैट दिस। तो हम लोग तो पहला स्टेप हम लोग का कभी से तैयार रहता है क्या, x इज इक्वल टू cos t है, अगर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, t के साथ, तो क्या आने वाला है मुझे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन t, फिक्स है हमारा। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी है, और अगर मैंने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया, x नहीं t किया, तो क्या मिलेगा dy वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी इंटू इंटू, देखो ये एम टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा m, लेकिन ई रेस टू एम टी क्या है, ई रेस टू एम टी मुझे पता वो है y, तो मैं क्या लूंगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई आ जाएगा, बराबर है। लेकिन मुझे ये चाहिए क्या, नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, वी नो और वी हैव व्हाट, वी हैव डी वाई डी टी है डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को मिलता है डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। यस तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, डी वाई बाई डी टी क्या मिला, एम वाई डिवाइडेड बाय कहाँ गया ये, माइनस ऑफ साइन टी, बराबर है ना। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, देखो मुझे यहां पे क्या चाहिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, वन अपॉन, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाला कुछ चीज चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करता हूँ कैसे, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर गया तो माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, बराबर ना, कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर साइन रूट क्या आ जाएगा, तो साइन टी मिलेगा, हाँ बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो ये कॉस टी मतलब क्या था, कॉस टी मतलब एक्स था, अगर कॉस टी मतलब एक्स था तो क्या हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा एम वाई अपॉन रूट ऑफ वन माइनस कॉस टी मतलब एक्स था, कॉस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, देखो यहां पे मुझे वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, तो ये साइन टी जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ओके लेकिन ये बंदा तो यहां पे डी टू वाई के साथ है, मैं तो इसको यहां पे लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन रूट के अंदर है इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम वाई, लेकिन हम लोग ने देखा तो ये स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या करते हैं अभी, टेकिंग बराबर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स खोलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो हमारा देखो ऑलमोस्ट क्लोज के बराबर आ गया। अच्छा और यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स, मैंने पहले ही बोला था डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, तो इसीलिए हम लोग ने डी टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा, विच इज इक्वल टू, ये तो स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो मुझे मिलेगा एम स्क्वायर एन वाई स्क्वायर, बराबर है। ओके चलो, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी सॉल्व कर देते, क्योंकि अभी तो मुझे क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, मैं बोलूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे देखो, यहां पे यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा, दिस इज माई यू दिस इज माई वी, यू इंटू वी रूल, ठीक है, तो यू को ऐसे ही रखें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेना है हम लोगों, तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, हाँ लेकिन वो एक्स नहीं था तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखो, अलग मार्कर से लिखता हूं मैं, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, बराबर है, प्लस प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव लिया तो वो मुझे मिलेगा माइनस टू एक्स बराबर, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स बराबर है, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ऐसे ही वाई स्क्वायर होगा टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, हाँ बराबर। चलो अभी अभी आगे हम लोग क्या कर देते, तो सॉल्व करते आगे, तो यहाँ पे क्या मिला, तो मिला वन माइनस एक्स स्क्वायर ये टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये वो क्या क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट डाल देते राइट, प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ओके सॉरी, यहां पे क्या आएगा टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग ने यहां पे वाई नहीं लिखा था बराबर है ना, मिस्टेक हो गया था हम लोगों से। अच्छा तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अच्छा इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है देखो, अगर यहां सब में से हम लोग ने कुछ कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, तो ठीक से देखेंगे ना हम लोग, तो ये टू आ रहा है, हाँ अच्छा और क्या आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें से दो में से एक आ जाएगा, हाँ ओके चलो, तो टू डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दो थे ना उसमें से एक चला गया, विच इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर है। अच्छा यहाँ पे देखो ये टू भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ये एम स्क्वायर वाई यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा प्रूफ हो रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, समझ में आया, ठीक है ना, कैसे सिंपली सॉल्व करते गए आगे हम लोग को आंसर मिल गया ना, बस हम लोग को अभी ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है और कहाँ पे नहीं करना है, बराबर है, मतलब जैसे हम लोग ने यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में, तो मैंने ये साइन टी को वन माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में निकाल दिया बराबर है, नहीं तो हम लोग क्या साइन टी को ऐसे रखते थे फिर डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन मैंने क्या किया उसको वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाया बराबर है। ये तो क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बोलो बहुत ही सिंपल है, ठीक है क्या बोले, वाई इज इक्वल टू दिस, सो दैट दिस तो हम लोग को पता है, स्टार्टिंग से एक ही चीज करते हैं हम लोग कि जो भी वाई दिया एक्स दिया उसको ले लो और सॉल्व करना चालू करो, तो ये क्या है टैन एक्स
बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, तो x के साथ करेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस टेन का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, लेकिन मुझे dy बाय डी एक्स नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डी टू वाई चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट किया उसको वापस, तो हमें क्या मिला, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस sec स्क्वायर x है, मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला, तो 2 इंटू sec x बराबर है, और sec x का डेरिवेटिव क्या आता है sec x इंटू, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं कि क्या किया हमने, वापस उसका डेरिवेटिव लिया sec x इंटू tan x, बराबर है। हाँ बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x, बराबर है। हाँ बराबर है। अच्छा अभी क्या करते हैं ना हम लोग, इसको क्या करते हैं, देखो ये sec स्क्वायर x यहां पे चला जाएगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाते सिंपल कर लेते, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, देखो बराबर है, ये sec स्क्वायर x है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 2 है ना, तो 2 cos स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, तो लिख दिया, तो ये cos स्क्वायर यहां पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, therefore cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्यों किया पता है ना, यहां पे देखो है इसके लिए विच इज इक्वल टू, ये बचा 2 tan x, बराबर है। अच्छा अभी 2 tan x को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहां पे, कि तो tan x का वैल्यू चाहिए मुझे ना अभी, क्योंकि आप बोलोगे सर ये अलग है यहां पे मैच नहीं हो रहा है, तो tan x का वैल्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं, तो इस इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या है y इज इक्वल टू x प्लस tan x है, लेकिन मुझे tan x चाहिए, तो x को यहां पे लिखा जाओ, तो y माइनस x इज इक्वल टू tan x होगा, तो मैं tan x के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, मैं tan x के जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं y माइनस x, बहुत ईजी है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या फिर यहां पे लेके पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू वाई माइनस टू एक्स, लेकिन ये तो राइट हैंड साइड पे जीरो चाहिए, तो सबको यहां पे शिफ्ट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच, ये 2y प्लस था यहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस, और राइट हैंड साइड पे हो गया जीरो, कितना इजी था, देखा ना आंसर सामने था मेरे, यहां पे जाके अटकना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये tan x का वैल्यू मुझे यहां से मिलेगा, क्यों, tan x होता है y माइनस x, बराबर है, तो यूटिलाइज करना है जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको यूटिलाइज करना है हम लोगों को कि ये मैच करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला, y इज इक्वल टू e रेज टू x sin, समझा, sin dx, और प्रूव करने के लिए बोला शो दैट, अच्छा यहां पे y2 और y1 मतलब क्या पता है ना, y2 मतलब d2y / dx² है, एंड y1 मतलब dy / dx, ठीक है ना, ये हम लोग को पता है। ओके चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू e रेज टू x sin dx, तो मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास दो वेज होते हैं सॉल्व करने में, तो कंटिन्यूस सॉल्व करते जाओ आप ये रिजल्ट तक पहुंचोगे, या फिर सेकंड मेथड होता है कि आप ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई टू एंड वाई वन का वैल्यू निकालो, और ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो एलएचएस में, अगर जीरो आया विच इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, बराबर है, दोनों मेथड से करना है हम लोगों को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट सॉल्व करते हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कैसे, तो देखो e रेज टू x sin bx होता है बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएट करना है हम लोगों, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, तो x के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा dy / dx विच इज इक्वल टू e रेज टू, यहां पे u इंटू v रूल अप्लाई होने वाला है, तो क्या होगा, ये u है ये v है, तो e रेज टू x एज इट इज sin x sin bx का डेरिवेटिव होगा cos bx, लेकिन वो x नहीं था, वो क्या था bx था, तो b उसका डेरिवेटिव आ गया, बराबर है। ओके
प्लस साइन बी एक्स को एज इट इज रख दिया, साइन बी एक्स को एज इट इज रख दिया, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई रेस टू एक्स, लेकिन वो एक्स नहीं था तो वो ए एक्स था, तो ए बराबर है। ओके चलो सिंप्लीफाई। अच्छा ये dy बाई डी एक्स को मैं वाई वन लिख सकता हूं, तो मैं अभी क्या बोलूंगा, वाई वन इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई रेस टू एक्स कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचा है मेरे पास, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ओके तो ये हो गया मेरा y1, लेकिन y1 चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy2 चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन यहां पे u and 2 भी रूल होगा, तो मैं क्या बोलूंगा y2 हो जाएगा अभी ये, बराबर है, मतलब d2y upon dx square बराबर। ओके तो ई रेस टू एक्स है ना, ये u है और ये पूरा ब्रैकेट v है, तो मैं क्या करूंगा, रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो ये b बराबर है, cos bx का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin bx इंटू, वो x नहीं था ना, वो bx था, तो उसका डेरिवेटिव आ गया b प्लस, बराबर है, इसका क्या हो जाएगा a इंटू साइन bx का डेरिवेटिव हो जाएगा cos bx, लेकिन वो x नहीं था तो उसका डेरिवेटिव b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है, ये हो गया सिर्फ इसका डेरिवेटिव प्लस, अभी क्या करेंगे ये ब्रैकेट को ऐसे ही रखेंगे, मतलब b cos bx प्लस a sin bx इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेम ई रेस टू ए एक्स, और ये ए एक्स था ना, ए एक्स नहीं था, ए एक्स था, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा a, बराबर है। ओके तो इसको हम लोग प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखो आंसर e रेस टू x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो e रेस टू x को निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या आएगा e रेस टू x ऐसे ही आ गया, अंदर क्या बचा ये माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, ओके प्लस ये हो जाएगा ए बी कॉस बी एक्स। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ई रेस टू एक्स कॉमन आ गया, लेकिन ये a बचा है ना, तो a से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा ए बी कॉस बी एक्स, है ना, a इंटू बी कॉस बी एक्स, ए इंटू ए ए स्क्वेयर साइन बी एक्स, बराबर है, हाँ तो ये हो गया हमारा। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और तो देखो ये प्लस ए बी प्लस ए बी कॉस बी एक्स कॉस बी एक्स, तो टू बी एक्स हो जाएगा, टू ए बी कॉस बी एक्स हो जाएगा, तो यहां पे मुझे y2 क्या मिलना मिलने वाला है, देखो y2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे देखो अगर मैंने साइन बी एक्स इन दोनों में से साइन बी एक्स कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये e रेस टू x एज इट इज मिलने वाला है, उसके बाद मिलेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, बराबर है, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, प्लस ये हो जाएगा ए बी ए बी कॉस बी एक्स कॉस बी एक्स, तो हो जाएगा टू ए बी कॉस ऑफ बी एक्स। ओके और ये था साइन ऑफ बी एक्स। ओके सिंपल है। अच्छा मैंने क्या बोला था, अगर आप लोगों को इससे सिंप्लीफाई करके ये आंसर नहीं मिलने वाला या डिफिकल्ट लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये y1 एंड y2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे कि लेट एल एच एस इज इक्वल टू y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, बराबर है। ओके चलो सब्स्टिट्यूट करो y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू क्या है, ये आया है तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते सब लोग को या फिर कॉमन निकाल सकते, तो पहले सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है लेकिन ध्यान से आराम से अच्छे से हो जाएगा। देखो ये ई रेस टू एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स बराबर इंटू हमारे पास यहां पे क्या मिला था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स प्लस टू ए बी कॉस ए
कॉस बी एक्स बराबर है, ये हो गया वाई टू, माइनस हमारे पास क्या था वाई वन, टू ए वाई वन, टू ए वाई वन ना, वाई वन टू ए वाई वन, तो ये होगा टू ए बराबर टू ए वाई वन क्या ई रेस टू ए एक्स, और यहां पे है बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ओके, और y क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, तो प्लस लिखो कहाँ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिखो, और y है हमारे पास ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, राइट। ओके चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग ने सब जगह देखा ना, तो हम लोग को पता है कि ई रेस टू एक्स कॉमन आता है, तो ई रेस टू एक्स सब में से कॉमन निकाल लेते, तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकाला, और ब्रैकेट भी ओपन करेंगे अभी सब लोगों का। तो ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर है, ई रेस टू एक्स कॉमन आ गया, इनको ओपन कर दिया तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस टू ए बी कॉस बी एक्स बराबर है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये टू ए से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स हम लोग ने कॉमन निकाला, तो ये माइनस टू ए मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया माइनस टू ए बी कॉस बी एक्स माइनस ए स्क्वेर साइन बी एक्स बराबर है ए टू 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 ए इंटू ए हो जाएगा। ओके प्लस अगर लास्ट वाला ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं तो ई रेस टू एक्स चला गया, तो ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। अच्छा अभी कैंसिल क्या क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं, आराम से देखेंगे, ये है हमारा ए स्क्वायर है ना, देखो ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ए स्क्वायर साइन बी एक्स टू ए स्क्वायर हो गया। अच्छा लेकिन टू ए स्क्वायर हो गया, यहां पे देखा क्या आप लोगों ने, यहां पे क्या है, यहां पे है टू ए स्क्वायर माइनस है, लेकिन मतलब ये चला गया। ओके उसके बाद बी स्क्वायर माइनस है या बी स्क्वायर प्लस है, चला गया। ओके और क्या है, ये प्लस टू ए बी है बराबर है, और यहां पे माइनस टू ए बी है, ये भी चला गया। क्या बचा हमारे पास फाइनली, ई रेस टू ए एक्स ब्रैकेट के अंदर जीरो, तो पूरा आंसर आ गया जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते, वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बहुत इजी एंड सिंपल है, बस हम लोग को स्टेप्स जहां जहां पे हम लोग मिस्टेक करने वाले, तो ये स्टेप्स है बराबर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स है ना, उसको ब्रैकेट ओपन कर दिया। अच्छा यहाँ पे टू ए बी कॉस बी एक्स आ गया, यहाँ पे अगेन हम लोगों ने टू माइनस टू ए से अंदर मल्टीप्लाई किया तो सबके साइन चेंज हो गए, अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई किया और कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लेंदी है, अगर कोई भी इशू रहेगा तो मुझे बोलना, हम लोग इसको चाहिए तो वापस सिंप्लीफाई करके मैं पीडीएफ डाल दूंगा कि एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिस टाइप ऑफ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इन आई थिंक सो सेक इनवर्स, मतलब इनवर्स वाले फंक्शन में सॉल्व किया, कैसे करते थे, ये सेक इनवर्स यहाँ पे लेके जाएगा तो सेक ऑफ एम हो जाएगा, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट हो गया तो उसको हम लोग ए बोल देंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, लेट क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू नहीं डायरेक्ट है हम लोग, बस y नहीं है ना, तो sec इनवर्स ऑफ 7x³ माइनस 5y³ डिवाइडेड बाय 7x³ प्लस 5y³ विच इज इक्वल टू m। ये sec इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा तो क्या बनेगा मुझे यहाँ पे, तो 7x³ माइनस 5y³ डिवाइडेड बाय 7x³ प्लस 5y³ विच इज इक्वल टू sec m। इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, लेट से इसको हम बोल देंगे ए, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, लेट सेक ए सेक एम इज इक्वल टू ए विच इज कॉन्स्टेंट बोलेंगे, ऐसे लिख दो दैट इज कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हो गया,
हमें ये मिला कि 7x³ - 5y³ / 7x³ + 5y³ = a। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7x³ - 5y³ = a × 7x³। तो हम लोग बोलेंगे 7x³ a, ओके, प्लस 5y³ a। अभी क्या करते हैं ना, इन सबको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इन सबको क्या करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, y वाले को यहाँ पे लेके जाएंगे, x वाले को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, 7x³, ये हो जाएगा -7x³ a, बराबर है, प्लस था यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया। ये 5y³ a यहाँ पे है और ये यहाँ पे जाके +5y³ हो जाएगा, बराबर है। कॉमन क्या है दोनों में से, 7x³ 7x³, 5y³ 5y³। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 7x³, अगर मैंने कांस्टेंट निकाला तो मुझे मिला 1 - a विच इज इक्वल टू, यहाँ से 5y³ निकाला तो मुझे मिला a + 1, बराबर है। अभी क्या करेंगे, ये 5y³ यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, तो 7x³ / 5y³ विच इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके लेता 1 + a और ये हो जाएगा 1 - a, बराबर है, विच इज इक्वल टू b बोलू मैं। क्यों, क्योंकि ये भी टर्म कांस्टेंट है, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट 1 + a एंड 1 - a विच इज इक्वल टू b, देयरफॉर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये 7x³ / 5y³ विच इज इक्वल टू b, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ x एंड y वाले टर्म रखो, बाकी सबको हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x³ / y³, और ये जो 7/5 था यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 5/7 भी है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा है। हम लोग को x एंड y चाहिए तो मैं बोलूंगा टेकिंग क्यूब रूट, तो क्या मिलेगा मुझे, x/y, ये तो हो गया तो इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा, 5/7 भी है ना। अभी इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो राइट हैंड साइड सीधा जीरो है विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे यू बाई बी रूल हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये एक्स इंटू dy/dx होगा, एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस वाई इंटू 1 / y² विच इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो हो गया जीरो, ओके, वाई स्क्वायर यहां पे जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो मुझे मिला एक्स dy/dx -y इज इक्वल टू y² * 0, जीरो, ओके। हम लोग को क्या चाहिए, तो मुझे d2y/dx² चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग, बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स है ना, तो ये u इंटू v रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy/dx क्या होता है, तो मुझे पता है वो अभी d2y/dx² होता है, ओके, माइनस करेंगे प्लस dy/dx को एज इट इज रखो, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 - y का डेरिवेटिव होगा dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे dy/dx एंड dy/dx माइनस प्लस है, तो मुझे क्या मिलेगा, x इंटू d2y/dx² विच इज इक्वल टू 0। तो ये dy/dx² x को वहां पे लेके जाएगा तो वो क्या बनेगा, 0। तो फाइनली आंसर क्या मिला मुझे, d2y/dx² = 0, और यही मेरा आंसर था। समझ में आया, बहुत ही इजी है, सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखो। ये सेक इनवर्स वाला हम लोगों ने एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है इनवर्स वाले फंक्शन के एक्सरसाइज में, तो उसी के ऊपर, इसीलिए मैंने बोला था कि 1 to 1.1 to 1.4 एक्सरसाइज पूरे अच्छे से सॉल्व करो, उसके ऊपर बेस ये 1.5 है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, 7 to 12 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।